हम पहुंच गए हैं, रिवर्स हम पहुंच गए हैं, गाड़ी पार्क कर रहे हैं, रश बहुत है आज, सैटरडे का दिन है इसलिए रश होता है दादा। ये चिकन का एरिया है, बहुत। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, मैं उरूस अली आपकी खिदमत में लेकर आई हूँ। आज बड़ी अच्छी सी डिश है, रेशमी कबाब के नाम से इसे कहते हैं और कुछ गलावट के लिए भी ये होता है कि गलावट के कबाब है। तो इसमें खुशखबरी ये है कि बच्चे, बूढ़े, जवान और ब्लड प्रेशर के मरीज़, शुगर के मरीज़ सब खा सकते हैं। बहुत टेस्टी है और जो भी खाएगा खाता चला जाएगा। तो लिहाजा मेरी एडवाइस ये भी है कि जब बनाए दादा बनाए, मैंने ये 2 किलो गोट ग्राउंड ले लिया। मैं अभी अभी आ रही हूँ शॉपिंग करके, तो मैंने ये गोट ग्राउंड फ्रेश का बनता है एक्चुअली, ये गोट ग्राउंड है 2 किलो के करीब है। इसमें ये हरी मिर्च और इतनी हरी धनिया डलेगी, ग्रीन मसाले के तौर पे कीमे के अंदर डलेगी। इसके अंदर जो गरम मसाला हमने तैयार किया है, इसमें है उन्नाब, 10 के करीब है, इसे मुनक्का भी कहते हैं, उन्नाब भी कहते हैं। ये सौंफ है, ये 1 चम्मच ब्लैक पेपर है और 4 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 1 बादियान के फूल है और ये है इसमें अनारदाना है, ज़ीरा है और ये है सूखी धनिया और ये बेसन है। एक्चुअली इसमें चने भुने हुए पीस के डलते हैं, चने मेरे पास नहीं थे, ये बेसन है, इसको हल्का सा भुना है मैंने। कोकोनट है, ब्लैक पेपर इसमें 2 चम्मच जाएगा, इस चम्मच से आप जायके के मुताबिक डालिएगा जितना आप खाते हैं। ये लाइट ब्राउन अनियन है, 2 इतनी बड़ी मैंने इस टमाटर के हिसाब से लिया था। ये टमाटर भी हमारा गार्डन का है, नीचे का 2 ही पक्के थे, लेकर आई बस 2। ये ब्लैक पेपर हमने आपको शो कर दिया है और इसमें से 1 चम्मच जो है वाइट, ये ब्लैक पेपर नहीं, ये ब्लैक सॉल्ट है, ये ब्लैक सॉल्ट है 2 चम्मच है जो इसमें जाएगा और ये है वाइट सॉल्ट, 1 चम्मच इसमें जाएगा। फ्रेश मिर्च जो है हल्की छोटी चम्मच से जाएगी क्योंकि हम इसमें हरी मिर्च का फ्लेवर दे रहे हैं, हरी मिर्च इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगी और अनियन और टमाटर का काम बाद में है जो मैं आपको बताऊंगी। गरम मसाला मैं पीस लेती हूँ, अदरक लहसुन इस टीस्पून से 4 चम्मच होंगे, अदरक लहसुन क्रश हो तो ज़्यादा बेहतर है लेकिन बिल्कुल बारीक ना करें, इसको क्रश हो तो बेहतर है। इन सब को पहले मैं मसाला पीस लूँ तो मैं स्टार्ट लेती हूँ। सारे मसाले इसमें जा रहे हैं, बस ये गरम मसाला हमारा पिस गया है अच्छी तरह से और ये सारा बेस होता है इसका, सारी चीज़ें जो है इस पर जो है डिपेंड करती है, इस पर डिपेंड करती है। अब ये
अदरक लहसुन इसमें जाएगा इस चम्मच से 4 चम्मच। ये शाही रेशमी कबाब है, शाही रेशमी कबाब और पराठे का आज कम्बिनेशन है जो हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए। तो एक्चुअली ये आम नहीं है ये कबाब, ये फिरंगी महल में ये खाना तैयार किया जाता था। इंडिया के में लखनऊ में एक जगह है फिरंगी महल की पढ़ाई बहुत मशहूर है, तो फिरंगी महल से ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी इंशाल्लाह ताला। ये ब्लैक पेपर है इसमें जा रहा है, ब्लैक पेपर चला गई। ये मैंने हरी चटनी पीसी थी, ये हरी चटनी, ये हरी चटनी इसमें चली गई। कोरिएंडर लीफ, ये सारी चीज़ें इसमें चली गई हैं। ये 1 चम्मच वाइट सॉल्ट है, चूँकि ये 2 किलो था इसलिए मैंने उसके हिसाब से डाला, आप अपने हिसाब से डालिएगा। ये हरी मिर्च, हरी धनिया, ये फिरंगी महल की ये डिश है रेशमी शाही कबाब। फर्स्ट टाइम लोग सुन रहे होंगे तो अभी स्टार्ट लेते हैं। और इंशाल्लाह ताला पराठे का आटा तो हमने गूंद लिया है उसी तरह से जैसे मैंने एक बार अचारी सब्जी और लच्छे पराठे के आटा गूंदा था उसी तरह से मैंने गूंदा है, लेकिन पराठे के दूसरे अंदाज में बनाऊंगी, वो अंदाज नहीं आज, दूसरा स्टेप। जी व्यूअर्स, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो ये एक्चुअली फिरंगी महल में के एक बादशाह थे, तो उन्होंने ये बच्चों की यूनिवर्सिटी खोली थी, उसमें जो बादशाह खाते थे उनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलर और डेलिशियस जो है डिश ये थी, ये रेशमी शाही कबाब, रेशमी शाही कबाब। और इसके साथ रोगनी रोटी या पराठा खिलवा। आटा मैंने गूंद के रख दिया है ताकि वो थोड़ा ठहर जाए। ये कबाब हमारे बॉल हमारे तैयार हो गए हैं, 42 हुए हैं। कैमरा अगर आपको दिखा सके, 42 बॉल तैयार हो गए हैं। अब इनको बिछाना होगा। अब बिछाना किस तरह से होगा, इनको मैंने एक कोयला यहाँ पे रख दिया है स्मोक देने के लिए। ये ऑयल हमने डाल दिया था, इस ऑयल में मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है, मैंने ज़्यादा नहीं डाला था उसमें, मैंने उस वक्त ऑयल को फ्राई किया था। ये इस तरह से हमारे कबाब को, ये दम के कबाब कहलाए जाते हैं, दूसरा इसका नाम है रेशमी कबाब। कबाब है, इनको पूरी तरह से नहीं भुना जाएगा, इसी पे कबाब को रखा जाएगा, इसी पे कबाब को बिछा दिया जाएगा। और जब मैंने कोयला रखा है, ये हमारे कबाब बिछाए जा रहे हैं। शाही रेशमी कबाब है। इस टमाटर का और प्याज का जो पानी होगा उसमें ये कुक होगा, और स्टीम में कुक होता है एक्चुअली, इसीलिए मैं कह रही थी कि ब्लड प्रेशर के मरीज़, शुगर के मरीज़ के लिए इतना फ़ायदेमंद है और टेस्टी ऐसा है यकसा सब के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवान के लिए। तो ये 42 कबाब उतरे हैं, 2 किलो कीमा है जो हमने जिस तरह से बताया था मसाले का, अगर तबादन उस तरह से रहेगा तो इंशाल्लाह आपको वो टेस्ट मिलेगा जिसकी तलाश के लोग होते हैं कि ये टेस्ट मिल जाए इस तरह से।
और इसको लो फ्लेम पे कर दूंगी और ये ढक जाएगा। अभी मैं जब इसको स्मोक दूंगी फिर उस वक्त मैं आपको दिखाऊंगी। थोड़ी सी देर इसको कुक होने देती हूँ, आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में ये कुक हो जाएगा। व्यूअर्स, ये आधा 35 मिनट हो गया है। इसमें पानी बिल्कुल, जो इसका अपना गोश्त का जो पानी था, कीमे का वो था, आलू प्याली टमाटर का और प्याज का जो पानी था, खुश होके कबाब तैयार हो गया। नीचे से रेड हो गया है और इसके जो ऑयल अपने ऑयल थे ना, ये सब किनारे आ गए हैं, सारे आ गए हैं। इनमें अब हम करना है क्योंकि हमने सिल्वर फॉइल रखना है। सिल्वर फॉइल रिवर्स, इसको देख रहे हैं आप, इसको ऐसे कर देना है, इसको ऐसे करके इसको 10 मिनट, मुझे 10 मिनट इसके लिए दरकार है। 10 मिनट के बाद ओपन होगा तो इसमें स्मोक आ जाएगी, तो उसके बाद ये गार्निश करूँगी मैं। पराठे के लिए देख लेती हूँ क्या करना है। ये रिवर्स, मैंने पराठे के लिए आटा गूंद के रख लिया था कि ताकि ये ठहर जाए, लेकिन इसको बनाना आपके सामने ताकि ये, पहले जो हमने लेयर्स लगाई थी वो आप लोगों ने देखी होगी, आज की लेयर्स देखी मैं किस तरह से लगाती हूँ। आज की लेयर आप देखें, मैं जब भी कोई कबाब या चिकन या किसी तरह की चीज़ बनाऊँ उसमें पराठा, लेकिन वो आपको डिफरेंट नज़र आएगा, डिफरेंट, कि टाइम इतना शॉर्ट होता है। लेयर्स की तरतीब देखिए, लेयर्स ये देखिए, ये लेयर्स यहाँ तक, ठीक है, इसके पहले इस तरह से नहीं बनाया था हमने, पहले वाला डिफरेंट था, आज वाला डिफरेंट है। ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट लेयर्स हैं। कभी कभी मैंने लोगों को कहते हुए सुना, ज्यादा बड़ा ना करो, ज्यादा दबाओ नहीं, लेयर्स नहीं आएगी, तो क्या छोटे से कचौरी खाएंगे? पराठा, पराठा तो बड़ा, बड़े का नाम होता है बड़ा मोटा ताजा पराठा हो, लेयर्स हो उसमें।
और जहाँ की जहाँ से मुंसलिक मैंने कबाब बनाए वहाँ पे जब पराठे बनते थे तो बताया जाता था वर्ख, आज 7 वर्ख ही पराठा बनेगा, आज 12 वर्ख ही पराठा बनेगा। वो कबाब वो मैं बना के दिखाऊंगी आप लोगों को। व्यूअर्स, ये पराठा एक्चुअली इससे बड़ा मेरे पास है नहीं था, इससे बड़ा भी बन सकता है। ये देखिए फूलना देखिए, ये हमारे कबाब जो हैं दम से हैं, स्मोक अभी इसमें जारी है। ये वाला पराठा थोड़ा डिफरेंट है, ये अगर कैमरा दिखा सके आपको, ये यहाँ से काट लिया हमने, इस पराठे को यहाँ पे काट लिया, ठीक है। उसके बाद इसको यूँ फोल्ड किया, हम फोल्ड करके गए, ये यहाँ पे लिया, ये माशाल्लाह इसकी लेयर्स आप देख सकते हैं, इसकी लेयर्स सारे दिख रहे हैं आपको, ये सारे लेयर्स हैं इसके। ये देखिए अब इसकी ये चूड़ियाँ बन रही हैं, ये चूड़ी बन रही है इसकी, ये चूड़ी बन रही है, ये यहाँ गुलाब का फूल बन गया। ये पराठे की तीसरी किस्म है, एक बार जो पहले आपको बना के दिखाया था ये दूसरी है, ये तीसरी किस्म है पराठे की। देख पाए अगर कैमरा आपको दिखा सके तो देखें, इसके एक एक लेयर अलग है, एक एक लेयर के अलग है। इधर से कैमरा दिखा दे आपको, ये सारे ये वर्की पराठे कहलाते हैं, वर्की पराठे। थोड़ा चूल्हा फ्लेम करते हैं, का ये मैंने कोयला इसमें से आउट कर दिया है और इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ, तो साथ साथ पराठे के साथ साथ मैं इसको भी डिश आउट करने लगी हूँ। हमारा कबाब तैयार हो गया व्यूअर, और ये साथ साथ ही पराठे भी तैयार हो गए, पराठे भी तैयार हो गए। ब्रिंग प्लेट,
लो। ये बिल्कुल इतना खस्ता है कि टूटा जा रहा है कि एक एक लेयर सब निकल रहे हैं। इनको एक्चुअली अगर मैं क्लॉपटेट करती हूँ तो बिल्कुल बिखर जाएंगे। और ये मेरे ख्याल में ये वो पराठा है जो दांत जिनके कमज़ोर हों या नहीं हों वो भी उसको यूं ही मल के खा सकते हैं। इस आज की स्पेशल डिश स्पेशल आप लोगों को के नाम ये गिफ्टेड ये गिफ्ट कर दिया हमने आप लोगों के नाम ये डिश दोनों। और ये ज़बरदस्त है, बच्चे बूढ़े जवान शुगर पेशेंट ब्लड प्रेशर के पेशेंट सब खा सकते हैं। बहुत दाखेदार है। गोट भी गोट ग्राउंड हमने ले लिया था 2 किलो और उसमें जो मसाला हमने आप लोगों को दिखाए इसी तरह से। और ये हमारे ये इसके लच्छे देखें अच्छे देखें ये बिल्कुल सॉफ्ट है ये पराठा एज लाइक राइस। इसी के साथ उरूस अली को इजाजत दीजिए। जो नए आने वाले जिन्होंने नए हमारी वीडियो देखी है उसको प्लीज काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि पिछली वीडियो हमारी आप देख पाएं और लाइक कीजिए शेयर कीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मैं किसी न्यू डिश के साथ आप लोगों से मुलाकात करूंगी और अच्छी से अच्छी डिश ढूंढती हूँ जो यूनिक हो नॉर्मली ना हो। और मैं इस तरह की ढूंढने में लगी होती हूँ कि वो सब खाएं, घर में किसी का ये ना हो कि मुझे ब्लड प्रेशर है मैं नहीं खा सकती मैं ये बीमार हूँ मैं वो। मैं ऐसी कोशिश में होती हूँ कि सब लोग खाएँ, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। अपनी दुआओं में हम वक्त आपको हम शामिल करते हैं और आप प्लीज़ हमें शामिल कीजिए। इसी के साथ रुख्सत लूँगी, अल्लाह हाफिज़।